जय हिंद। वेलकम टू विजयपथ एजुकेशन पालमपुर। आज की इस क्लास में हिमाचल प्रदेश जेल बोर्डन के एग्ज़ाम को हम डिस्कस करेंगे, जो कि 28 जुलाई 2024 यानी कि आज के दिन ये कंडक्ट करवाया गया पूरे हिमाचल में। और इसकी जीके की आंसर की ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करवा दी गई है। इसके मैथ एंड साइंस के सेक्शन को हम कवर करेंगे और डिटेल सॉल्यूशन, मैथ को हम बिल्कुल प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ मैं आपको यहां पे बताऊंगा कि कैसे आपने आंसर जो है वो यहां पे टिक किया है। प्रॉपर डिस्क्रिप्शन के साथ आपको मैथ यहाँ पे सॉल्व करवाया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन मैथ का पूछा गया था, किस संख्या को 783 से भाग देने पर 48 शेष बचता है और उस संख्या को 29 से भाग देने पर क्या शेषफल होगा। देखिए, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, बिल्कुल एक सिंपल सा फॉर्मेट आपको, एक पैटर्न जो है वो याद रखना है। जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं, उन सभी में एक सिंपल सी ट्रिक लगती है। और वो ट्रिक क्या है कि ये जो पहली दो वैल्यूज आपके पास दी गई हैं, इनको आपने सिंपल ऐड करना होता है। ठीक है, सिंपल आपको ऐड करना है 783 में आपको 48 जो है वो ऐड करने हैं। 783 में आपको सिंपल 48 ऐड करने हैं, वो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 831। बस इतना सा लॉजिक आपने समझना है कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। जब भी शेषफल वाले क्वेश्चन आते हैं, पहली दो वैल्यूज को आपको सिंपली ऐड करना है और नेक्स्ट जो आपको नंबर दिया गया है उससे आपको डिवाइड कर देना है। बस सिंपल सा पैटर्न है, वो रिमाइंडर जो आपके पास बचेगा वही इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 29 से आप इसको भाग देंगे, 831 को 29 से इसको डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले ये आपका चला जाएगा, टू टाइम्स जाएगा, ये आपका टू टाइम्स जाएगा 29 मल्टीप्लाई बाय टू। 29 को दो से करेंगे, आपके पास आएगा 58 और 83 में से 58 आपके चले गए, ये बचेंगे आपके पास 25 और 1 हम कैरी करेंगे, तो 251 आपके पास यहाँ पे बन रहा है। तो मैं 29 को मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पे 8 से, 29 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 232 और आपके पास जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा आपके पास यहाँ पे 32 और 19। तो राइट आंसर आपका 19 रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दिया गया है। तो सिंपल सा लॉजिक है, आपको किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पहली दो वैल्यूज को ऐड करना है, जो नेक्स्ट वैल्यू दी गई उससे आपने डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आएगा वही आपका राइट आंसर रहेगा। तो 19 जो है वो इसका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा। थोड़ा सा ये जो पेपर यहाँ पे डाला गया था, थोड़ा सा मैं वहाँ पे भी यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक प्रॉपर पेपर अगर डालना चाहते हैं तो उसको एक प्रॉपर सीक्वेंस दीजिए। यहाँ पे कुछ बच्चों को यहीं पे कन्फ्यूजन होगी कि ये 1 से ही 3/5 है, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है या फिर 13/5 दिया गया है। तो अगर आयोग अगर पेपर नहीं डाल सकता तो किसी एक प्राइवेट एजेंसी को पेपर जो है वो डालने देना चाहिए, ताकि एक प्रॉपर उसको सीक्वेंस के एटलिस्ट फॉर्मेट में तो वो अपलोड कर सकें। तो यहाँ पे इसको आपने जो है वो ओपन करना है। मैं इसको बता देता हूँ किस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पे करेंगे। सो सबसे पहले ये आपके पास वैल्यू जो दी गई है वो दी गई है 1 से ही 3/5। ये आपके पास वैल्यू है 1 से ही 3/5 दिया गया है, उसके बाद 1 से ही 2/7। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, हमेशा बेसिक मेथड से सॉल्व करें। अगर आप ट्रिक से सॉल्व करते हैं, कई बार जो है वो गलती होने का चांस रहता है। इसको आप ओपन करेंगे, 5 और 3 कितना आ जाएगा, 8/3 आ जाएगा, फिर आपके पास सॉरी 8/5 आएगा, 8/5 आएगा, सॉरी 8/3 नहीं है, 8/5 आएगा ये। उसके बाद 7 और 2 9, 9/7 आ जाएगा यहाँ पे, और नेक्स्ट 4 और 1 5, तो 5/4 आ जाएगा। फिर आप एलसीएम मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, एलसीएम मेथड 5, 7 और 4, इसका एलसीएम आएगा 140, ठीक है। फिर 7 चौके 28, 28 को 8 से आप गुणा करेंगे 224। अब अगर आपको एलसीएम लेने आता तो सिंपली आप इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आप निकाल सकते हैं। 5 चौके 20, 20 को 9 से गुणा करेंगे 180, फिर 7 पंजे 35, 35 को 5 से गुणा करेंगे 175। सबको अगर आप ऐड करते हैं तो आपके पास बनेगा 579 और डिवाइड बाय 140। अब देखिए, 140 वाला ऑप्शन सिर्फ एक ही बच रहा है, ठीक है, तो हम इसी को ही यहाँ पे प्रेफर करेंगे। लेकिन इसको क्रॉस चेक भी आपने करना है, हो सकता है शायद ये वैल्यू आपस में कट जाए, तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में एक बार तोड़ के लिखिए 140 जो अगर आप 4 बार करेंगे तो 140
गुणा चार, ये आपका 560 आएगा और 560 नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट 63 क्वेश्चन है। यहाँ पे पांच संख्याओं का औसत है, जब इनका आप सम निकालेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 162 बनेगा और जो लास्ट की टू है उसका दिया गया है 38, तो 38 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 76 बनेगा। अब देखिए क्या बताया गया कि ये पहली वैल्यू, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी और पांचवी, इन सभी का तो बताया गया है लेकिन क्वेश्चन में इन दो का बताया गया और लास्ट की दो का बताया गया, तीन का नहीं बताया गया। तो मैं क्या करूंगा, इन सभी में से बाकी दो वैल्यूज को कम कर दूंगा, बाकी दो वैल्यूज को कम कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, 325 में से मैं 162 भी माइनस कर दूंगा और उसमें से 76 भी कम कर दूंगा। अब इन पांचों में से जब मैंने पहली दो को और अंतिम दो को गायब कर दिया, खत्म कर दिया, माइनस कर दिया, तो मेरे पास सिर्फ तीसरी ही संख्या बचेगी। तो जब 325 में से जब मैंने इनको कम किया तो मेरे पास बचा 87, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दिया गया है। ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा। अगर फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन में क्वेरी रहती है तो आप कॉमेंट करके जरूर बताएं, उसका प्रॉपर सॉल्यूशन और नई वीडियो के साथ जो है वो आपको वहां पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 64। बोला गया था कि एक संख्या के एक चौथाई का एक तिहाई भाग। देखिए जब भी क्वेश्चन अगर पेपर आपको आता है, हमेशा एक चीज सोचनी चाहिए कि आपको हिंदी में भी चीजों को जो है वो पढ़ना है, क्योंकि हिमाचल के जितने लगभग एग्जाम होते हैं मोस्टली हिंदी इंग्लिश में होते हैं, लेकिन जैसे हाई कोर्ट का एग्जाम है वो पूरा ही इंग्लिश में करवाया जाता है, जेल बोर्डन का एग्जाम, फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम, ये प्योर हिंदी में जो है वो आपके कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो उसके लिए आपको दोनों लैंग्वेज को जो है वो थोड़ा सा देखना जरूरी है। एक संख्या एक्स मान लेते हैं, उसका एक चौथाई हिस्सा 1/4 और एक तिहाई हिस्सा यानी कि 1/3 1/3, ये जो है वो किसके इक्वल है, 15 के इक्वल है। तो यहाँ पे ये 3 जो है वो ऊपर चला जाएगा और ये 4 भी कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अभी आ गई वैल्यू, ठीक है, 15 × 4 = 60 और ये x कितना बन गया मेरे पास, 60 × 6 = 18 180 वैल्यू बन गई। अब इसका मेरे को कितना निकालना है, 3/10 हिस्सा निकालना है। तो 0 से 0 चलेगी, 18 को 3 से करूंगा तो ये आ जाएगा 54। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल आसान लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे, मैथ तो बिल्कुल हवा लेवल का मैथ यहाँ पे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा 65। किसी भिन्न के अंश में 20% और हार में 25% की वृद्धि की जाती तो भिन्न जो है वो 3/5 हमें मिलती है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे सॉल्व करना होता है, ये कोई एक मैंने भिन्न ले ली, एक मैं भिन्न ले लेता हूँ यहाँ पे x डिवाइडेड बाय भिन्न ले ली, 20% की वृद्धि हमने की, तो 20% की वृद्धि का मतलब कितना होता है, 100/20 की वृद्धि। तो 100/20 की वृद्धि का मतलब 100/20 आप ऐड कर दो, 120 आ जाएगा। और 25 की वृद्धि, तो 100 में हमेशा परसेंटेज 100 से स्टार्ट होता है, इसलिए हम यहाँ पे इस वैल्यूज को जो है वो यहाँ से मेजर करते हैं। तो यहाँ पे 25 की वृद्धि करेंगे तो 100/25 की वृद्धि 125 और भिन्न आपके पास बन जाएगी 3/5। अब इसको आपने सिंपली सॉल्व करना है, अब आप इसको बिल्कुल सिंपली सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ पे ये x अपॉन बाय ये किसके इक्वल आएगा, 3/5 मल्टीप्लाई 125 आपका ऊपर चला जाएगा और 120 जो है वो आपका नीचे आ जाएगा। अब आप इसकी कटिंग करेंगे, 3 से कट जाएगा ये 40 बार, ये 5 से कट जाएगा 25 बार, 5 से कटेगा 5 बार और ये 5 से कटेगा 8 बार। तो 5/8 जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी जो है 5/8 इसका बिल्कुल राइट आंसर जो है वो यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एज का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन जो था वो एज का पूछा गया था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे अगर इंग्लिश मीडियम में भी दिया होता तो काफ़ी हेल्प जो है वो यहाँ पे बाकी बच्चों की भी जो है हो जानी थी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है एज का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 हिस्सा, देखिए एक व्यक्ति है, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ मैन, और उसकी माता है, सॉरी एम एम को मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं व्यक्ति ही लिख देता हूँ, बी लिख देता हूँ, और उसकी माता है एम है, वो कितनी है, आयु का 2/5 है, ठीक है, रेशो में दिया गया है, 2/5 का मतलब होता है 2:5, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके 8 सालों के बाद माता की आयु से आधी हो जाती है, यानी कि माता से आयु से आधी हो जाती है। अगर माता जो है वो कितने साल की होती है, अगर माता 2 साल की होगी, ठीक है, आधी आधी होने का मतलब क्या है कि दुगना, ठीक है, अगर माता जो है वो कितने साल की होगी, 2 साल की होगी, ठीक है, तो जो व्यक्ति है वो 1 साल का होगा, लेकिन कितने सालों के बाद, 8 सालों के बाद। अब सिंपली आपने इस रेशो को ओपन करना है,
ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा 2x और डिवाइडेड बाय 5x। अब 8-8 साल आप आगे गए, ठीक है, 8-8 साल आप आगे गए, और आप इसको मिक्स फ्रैक्शन के मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट एलिगेशन के मेथड से, बट मैं सिंपल मेथड से सॉल्व करवा रहा हूँ। 2x और 5x 8-8 साल आगे गए, तो अब एज कितनी होगी, आधी होगी। बस अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये बना 4x प्लस के 8 दूने 16, ये बना 5x और प्लस के 8, ये 5x में से 4x चले गए तो बचा 1x, 16 में से 8 चले गए तो 8, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। तो ये 2x था, ये आपके पास 5x था, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 8 से गुणा किया तो 8 दूने 16 आ जाएगा। व्यक्ति जो है वो 16 साल का, और जो माता है 8×5=40, तो माता जो है वो 40 साल। तो माता की आयु पूछी थी, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन सी जो है 40 साल इसका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन परसेंटेज का क्वेश्चन था, एवरेज बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछा गया था ये। सो इसको हम सॉल्व करेंगे, एक परीक्षा में रितिज ने 52%, सुनील ने 64% और रवि ने 74% अंक प्राप्त किए, तो आपको उनका औसत बताना, यानी कि परसेंटेज बतानी है नंबर्स की फॉर्म में, ठीक है। तो आप इसको सेपरेट मेथड से भी कर सकते हैं, पहले 750 का 52% निकाल लो, ठीक है, फिर सुनील का 64% निकाल लो, फिर रवि का 74% निकाल लो, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट ऐड करूंगा, सभी का सम करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा 52%, फिर 64% और फिर 74%। अब ये 100-100 के अगर पेपर हैं तो इसका मतलब सबको अगर मैंने ऐड किया तो ये बना कितना, 190, ठीक है। बट ये तीन बच्चे हैं तो तीन से मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा, तो एवरेज कितनी बनी, एवरेज मेरे को यहाँ पे मिली 63.33 मेरे को जो है वो परसेंटेज यहाँ पे मिली, ठीक है, एवरेज। अब टोटल उन्होंने एक एवरेज की फॉर्म में 63% मार्क्स जो है वो लिए, लेकिन मेरे को नंबर बताने हैं, तो 750 का 750 का आप क्या कर देंगे यहाँ पे 63% जो है वो आप निकाल देंगे। इन पॉइंट को आप हटाएंगे तो नीचे आपके पास 100 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान रखेंगे आपके पास वैल्यू आ रही है 474.97, तो अप्रोक्सीमेटली 475 के अराउंड आपकी राउंड ऑफ करके जो है ये वैल्यू बनेगी। सो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। कुछ बच्चे अगर यहाँ पे अगर बता रहे हैं कि इनमें से कोई नहीं, कि 474 तो दिया नहीं गया, लेकिन 1% जो है वो आप उसको अप्रोक्सीमेटली चेंज कर सकते हैं, राउंड ऑफ के मेथड से आप इसको चेंज कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। थोड़ा सा जो एजेंसी पेपर कंडक्ट करवाती है, अगर उनको पेपर कंडक्ट करवाने नहीं आता तो उनको डायरेक्ट बोल देना चाहिए, क्योंकि अगर आपसे नहीं हो रहा तो हमारे पास वो चीज़ दे दो, ठीक है, मैं पेपर कंडक्ट करवा सकता हूँ, ठीक है। जैसे आपने ये पेपर कंडक्ट यहाँ पे करवाया तो कोई सीक्वेंस नहीं है, किसी के 4 ऑप्शन दिए गए, किसी के 5 ऑप्शन दिए गए। अगर आप 66 क्वेश्चन को देखें तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और अगर 67 को देखें तो ए बी सी डी ई 5 ऑप्शन दिए गए हैं। तो कोई भी ऐसा पेपर नहीं होता जिसमें किसी में 4 ऑप्शन, किसी में 5 ऑप्शन, किसी में कभी देवनागरी में लिखा गया, कभी किसी में हिंदी में लिखा गया, कभी कोई ना तो प्रॉपर सीक्वेंस बन रही है, इंग्लिश लैंग्वेज की तो बात ही आपने खत्म कर दी। अगर पेपर कंडक्ट नहीं होता तो डायरेक्ट आप हमें बोल दो, हम पे उस आपसे बेहतर पेपर जो है वो कंडक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं, तो बिल्कुल ही लेवल तो बिल्कुल ईजी पेपर यहाँ पे दिया था, लेकिन एक सीक्वेंस, एक पैटर्न जो है वो रखना चाहिए, ताकि सभी मीडियम के बच्चों को जो है वो वहाँ पे हेल्प मिल सके। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था, एक दुकानदार अपने प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है और 19% लाभ कमाने के लिए क्रय मूल्य कितना अधिक होगा। देखिए 15% की छूट, यानी कि 100 पे 15 की छूट, तो कितने पे पहुंच गए, 85 पे पहुंच गए। 19% लाभ कमाना, इसलिए वस्तु कितने में बेचनी होगी, 119 में। डिफरेंस कितने का आएगा, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ जाएगा, जब आप यहाँ पे डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 34 का डिफरेंस आएगा, ठीक है। परसेंटेज आप निकाल लो, ये क्रय मूल्य कितना अधिक निकालना है वैसे आप निकाल लो, 34 आएगा कितने पे, 85 पे, और गुणा आपने की तो गुणा कितना करेंगे आप, 100 से करेंगे, ठीक है। तो आपके पास ये कितना बना, 3400
और डिवाइडेड बाय 85, 85 से डायरेक्ट 340 कट रहा चार बार और एक ही जीरो, तो 40% ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी 40% इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पार्टी में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:3 है और पार्टी से 10 लड़के जो हैं वो चले जाते हैं, जैसे अभी हमने एक एज वाला क्वेश्चन किया था, ठीक है, एज वाला क्वेश्चन किया, या फिर एक 65 क्वेश्चन किया कि उसमें 20% और 25% भिन्न में वृद्धि की जाती, तो वैसे ही आपने ये क्वेश्चन भी करना है, ठीक है। आपको रेशो दी गई है, रेशो कितनी दी गई है, 5:3 की रेशो दी गई, आप इसको एक्स की फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया कि 10 लड़के चले जाते हैं, तो लड़कों की रेशो है 5 वाली, तो आप यहाँ पे -10 करेंगे और नीचे लड़कियों में आपको कोई भी ना तो ऐड करना है ना तो वहाँ पे कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट करनी है, और अब रेशो कितनी हो जाती, 1:1 हो जाती। बस आप सिंपल इसको सॉल्व करें, क्या बनेगा, 5x माइनस के 10 और बराबर के 3x। रेशो आपके पास ये दी थी, ये थी बॉयज़ की रेशो 5 और ये थी गर्ल्स की रेशो 5:3। अब आप यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास 5 से 3 चले गए, बचे 2x बराबर के 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो 5 को आप 5 से गुणा करेंगे तो 25 लड़के थे, 5 तिया 15, तो 15 जो थे वो क्या थे, वो लड़कियां थी, तो 25 और 15 टोटल कितने हो गए, 40। तो टोटल 40 बच्चे जो थे वो वहां पे थे उस पार्टी में, ठीक है, टोटल 40 बच्चे उस पार्टी में थे, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन था, टोटल 10 क्वेश्चन मैथ के सेक्शन के पूछे गए थे, ये काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन डाला गया था क्योंकि बच्चों को यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है वो होती है। तो मैं आपको बता दूँ MDH फॉर्मूला यहाँ पे डायरेक्ट यूज किया जाता है, मैं आपको फिर से बताता हूँ, MDH और डिवाइडेड बाय होता है W, M यानी कि मैन, D का मतलब डेज, H का मतलब आर यानी कि घंटे, और W का मतलब होता है वर्क। अगर कोई पैसा कोई कमा रहा है तो वो हमेशा नीचे लिखा जाता है, अगर कोई काम कर रहा है जैसे 140 कुर्सियां बना रहा है, ठीक है, 20 जो है वो पेन बेच रहा है, तो कोई भी काम है, कोई इतनी लंबी दीवार बना रहा है, वो भी चीज़ वर्क में ही की जाती है, वो हमेशा नीचे लिखी जाती है। तो वैसे आप इसको सॉल्व करेंगे MDH फॉर्मूले से, पहले कितने बताए, 8 व्यक्ति 9 दिनों में, ठीक है, कितना काम कर रहे हैं, तो काम हमेशा नीचे आएगा, 18 मीटर लंबा है, 2 मीटर चौड़ा है और 12 मीटर ऊंचा है, और इसको कितने व्यक्ति कर रहे हैं, 10 व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो 10 ऊपर आएगा। अब आपको बताया गया कि 32 मीटर लंबी बनानी है, ठीक है, तो काम हमेशा नीचे लिखना है, 32 मीटर लंबी होगी, 3 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची। अब 6 घंटे काम कर रहे हैं 8 दिनों में, और कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो व्यक्तियों को आप x मान सकते हैं, यहाँ पे व्यक्तियों को x मान सकते हो, x की वैल्यू आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, तो बाकी जो जो वैल्यूज आपकी यहाँ पे कटती हैं बस डायरेक्ट आपने उसको जो है वो कट करना है। तो आप यहाँ पे इसकी कटिंग करेंगे तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे आपको कट करके जो है वो बता देता हूँ, यहाँ पे ये आपका कट जाएगा कितनी बार, 4 बार, ठीक है, ये आपका 3 से चला जाएगा 2 बार, 2 से ये आपका चला जाएगा 2 बार, यहाँ पे आपके पास बचा सिर्फ x डिवाइडेड बाय 9 × 2, और दूसरी तरफ आपके पास यहाँ पे वैल्यूज जो है वो कट जाएंगी, जैसे कि 2 से आपका 8 कटा 4 बार, 4 से आपका कटा 12 3 बार, 3 से ये कटा 3 बार, और 3 से फिर आपका ये कटा कितनी बार, 6 बार, तो आपके पास यहाँ पे बचा कितना, 10/6। अब 9 और 2 जो हैं वो नीचे से कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, तो आपके पास ये वैल्यू नीचे कुछ नहीं बचेगी। तो अब आपको इसकी कटिंग करनी है, ये कट जाएगा आपका 3 बार और 3 से आपका ये कट जाएगा 3 बार, 10 को 3 से गुणा करेंगे तो आपके पास राइट आंसर आएगा 30। तो टोटल कितने व्यक्ति होंगे, 30 व्यक्ति होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। तो ये आपके सारे मैथ के सेक्शन के क्वेश्चन थे, बिल्कुल हवा लेवल के क्वेश्चन जो थे वो पूछे गए थे, लेकिन थोड़ा सा आयोग से, जिस एजेंसी ने यहाँ पे ये पेपर कंडक्ट करवाया गया है, तो थोड़ा सा उनको ये देखना चाहिए कि अगर ऑप्शन 4 डालने हैं तो 4 ही डालें, कहीं पे 5 ना चले जाएं। अगर हिंदी में डाल रहे हैं तो फिर आप देवनागरी को क्यों वहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ थोड़ी सी देखनी चाहिए। यहाँ पे प्रॉपर जिसने पेपर डाला, ना तो उन्होंने दोबारा उसको रीचेक किया, या फिर जिस टीम के द्वारा रीचेक किया उन्होंने बिल्कुल हवा में उसको रीचेक किया, ठीक है, यानी कि वेरीफाई तो वेरीफाई, ठीक है, किसी दूसरे पर भरोसा किया तो वो पेपर पास कर दिए, तो ये चीज़ जो है वो थोड़ी सी गलत है। बाइलिंगुअल पेपर कंडक्ट करवाना चाहिए, 21वीं सदी में हम यहाँ पे जी रहे हैं, तो थोड़ा सा आयोग को देखना चाहिए। नेक्स्ट है,
साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन, पारसेक की इकाई कितनी है, तो पारसेक जो इकाई होती है वो हमेशा डिस्टेंस की होती है, पारसेक इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, सो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन था, एक गेंद धरातल से 25.2 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर की तरफ फेंकी जाती है, गेंद अपनी यात्रा के उच्चतम बिंदु पर कितने समय में पहुंचेगी, तो यहाँ पे वेलोसिटी आपको दी गई थी, तो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इक्वेशन ऑफ मोशन का यहाँ पे पहला फॉर्मूला जो है वो लगेगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, तो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये पहली इक्वेशन है न्यूटन की। तो यहाँ पे वी फाइनल तो आपको दी नहीं गई है, तो आप जीरो लेंगे, यू आपके पास इनिशियल वेलोसिटी जो है वो दी गई है 25.2, और यहाँ पे जब आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो ग्रेविटी आपकी नेगेटिव में आएगी, तो आपके पास एक्सेलेरेशन नेगेटिव में आएगा, ए को आप जी में चेंज कर सकते हो, तो 9.8 वैल्यू होती है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, और मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम आपको निकालना है, आप इसको सॉल्व करेंगे ये माइनस में चला जाएगा, और ये आपके पास बचेगा -9.8 इंटू टी, ये माइनस से माइनस कट हो जाएगा, अब ये 25.5 और 9.8 आपका कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और ये आपके पास टाइम की वैल्यू यहाँ पे बचेगी, जब सॉल्व करेंगे तो 2.75 आपके पास ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे रहेगा, सो ये इसका राइट आंसर यहाँ पे प्रॉपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोल कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य होता है, तो सेंट्रिपिटल फोर्स होती है, तो ऑप्शन नंबर बी अभिकेंद्रीय बल, ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अब जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनको नहीं पता होता है कि सेंट्रिपिटल और सेंट्रीफ्यूगल को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, तो आई होप को या एजेंसी को यहाँ पे देखना चाहिए कि ऑप्शंस को, एटलीस्ट ऑप्शंस को तो वो बाइलिंगुअल करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पीसा की झुकी हुई मीनार नहीं गिर पाती है, उसका क्या रीजन है, उसका रीजन है ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर होती है, इसलिए वो मीनार जो है वो झुकी है, वो नहीं गिर पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी का मान सबसे अधिक कहाँ पे होता है, तो इक्वेटोरियल लाइन जो होती है, भूमध्य रेखा जिसको हम कहते हैं, उसके ऊपर जी का मान सबसे अधिक होता है, जी का मान सबसे अधिक होता है। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पे मेरे को थोड़ी सी कुछ यहाँ पे फॉल्ट जो है वो लग रहा है, डाउट है, तो इसमें आप ऑप्शन सी को तो टिक नहीं कर सकते, भूमध्य रेखा पे तो नहीं होता है एक्चुअल में, हाँ इक्वेटोरियल लाइन पे तो वो नहीं होगा, पोल पे तो वो सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी। अगर मैं इसको यहाँ पे एक बार चेक करूँ, अगर मैं इंटरनेट के थ्रू अगर इसको चेक करता हूँ, तो वहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर दिया गया है, और ये आपका CGL 2015 का क्वेश्चन है, वहाँ पे आपसे पूछा गया था, डायरेक्ट अगर आप सर्च करेंगे तो testbook.com के ऊपर आपको ये जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो मिल जाएगा, CGL के पेपर में पूछा गया था, 16 फरवरी 2015 में आपका ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर अंटार्कटिक कैंप में जो है वो सबसे अधिक जी की वैल्यू जो है वो बताई जा रही, तो एक बार आप इसको क्रॉस चेक जरूर करें, ऑप्शन डी यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट है, इनमें से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, देखिए ध्यान से यहाँ पे आपने समझना है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है तैरने का नियम, यानी कि पानी से रिलेटेड, तो हाइड्रोमीटर पानी से जुड़ा है, लैक्टोमीटर पानी से जुड़ा है, क्योंकि दूध कि अगर प्योरिटी को अगर हमने मेजर करना है तो हम उसमें उस चीज को डुबोते हैं, ठीक है, पनडुब्बी पानी के अंदर होती है, ओडोमीटर का यहाँ पे कोई काम नहीं है, ओडोमीटर का काम क्या होता है, जो हमारे व्हीकल्स हैं, जो हमारी गाड़ियां हैं, उनके डिस्टेंस को मेजर करना, तो ओडोमीटर ऑप्शन नंबर सी जो है वो इससे रिलेटेड नहीं है, आधारित नहीं है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि हीट से संबंधित जो फिजिक्स की ब्रांच होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो थर्मोडायनेमिक्स उसे कहा जाता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, ध्वनि का उच्चतम वेग या अधिकतम वेग कहाँ पे होता है, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन, तो वो होती है सॉलिड में, सॉलिड यानी कि आप इस्पात में यहाँ पे लिख सकते थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चन है। हीरे की चमक का कारण क्या है, तो हीरे की चमक का जो कारण होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विद्युत विभांतर, अब देखिए अगर जो साइंस के स्टूडेंट है उनको 50-60% बच्चों को नहीं पता होता कि विभांतर क्या होता है, विभांतर का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्ट से मेजर करते हैं, तो डायरेक्ट वो आंसर अपना टिक कर सकते थे, तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा। तो आई होप आपको जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे कराए गए हैं बिल्कुल आपके सही हों,
और जल्दी ही मैं रीजनिंग के सेक्शन के साथ आपसे जुड़ूंगा। तब तक के लिए आप कमेंट जरूर कीजिए कि कितने क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हैं। जय हिंद, जय हिमाचल।